हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसका जो टॉपिक है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे यूट्यूब जो व्यूअर्स हैं वो रेज कर रहे हैं कि सर ये जो बैंक है ये चल क्यों नहीं रहा। तो इससे संबंधित जो सभी क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस जनरली निकल कर आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को मैं पहले बताता हूँ, फिर उनको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके जो है हम उसमें बात करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो लोगों के मन में ख्याल है कि सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कब चलेगा। दूसरा जो सवाल है, क्या बिजनेस में कोई नई एनपीए आने वाली है, क्योंकि कुछ मार्केट में ऐसी अफवाहें थी कि कुछ नई एनपीए आ जाएंगी तो उसके बाद जो है इस शेयर के अंदर जो है कहीं गिरावट ना आ जाए। और सीधी सी बात यह है कि कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने इसको जो है नीचे के जो है टारगेट दे रखे हैं 30 रुपए के, उसके बाद जो है घबराहट जो है वो लोगों के मन में ज्यादा बनी हुई है। उसका तीसरा जो सवाल है, क्या बिजनेस मॉडल में कोई चेंज आने वाला है, क्या बिजनेस मॉडल ये चेंज कर रहे हैं। उसके बाद चौथा सवाल जो है वो मेरे से ही संबंधित है कि सर आप इस शेयर के ऊपर विश्वास करते हैं अभी या नहीं करते हैं। और पांचवा सवाल जो है वो आपकी क्यूरियोसिटी से रिलेटेड है, सर मार्केट के कुछ एनालिसिस्ट जो है जिसमें वो काफी बुलिश हैं और जिसमें संजीव भसीन जी हैं वो काफी जो है बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है बुलिश हैं। देखिएगा संजीव भसीन जी एक जो है सीनियर जो है मार्केट के अंदर एनालिसिस्ट हैं और जो है उनकी बहुत सारी जो प्रेडिक्शंस हैं वो ठीक भी हुई हैं और उनको बहुत जो है एक्सपीरियंस भी है। तो इन सभी बातों पर जो है पांच सवाल जो है आपके मन में थे वो पांचों सवालों के जवाब जो है मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा। तो सीधी सी बात क्या कि जो पांचों क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल है सर ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कब चलेगा। देखिएगा जब भी मैं आपको ये बात बताऊं कि देखिएगा ये मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, आप लोग जानते भी होंगे इसमें से बहुत सारे लोग क्योंकि जो यूट्यूब के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिएगा ये जो शेयर है ये एक वास्तव में एक ऐसे बिजनेस मॉडल से संबंधित है जहां पर कि अभी बिजनेस के अंदर ग्रोथ जो है मैनेजमेंट देख रही है और वो उस पूरे के पूरे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के मूड में है। तो सिंपल सी बात यह है कि उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेगी। देखिएगा सबसे पहली बात हम इसके बारे में कुछ करते हैं। देखिएगा जब ये मर्जर हुआ था दिसंबर 2018 में, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो जो रिटेल पोर्शन था वो 35% था और जो होलसेल बैंकिंग थी यानी कि जो लंबे टाइम्स के जो कॉरपोरेट लोन्स हैं या जो इंस्टीट्यूशनल लोन्स हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन्स हैं उनकी जो पोर्टफोलियो में 54% जगह थी। तो सीधी सी बात यह थी 3% की जो है स्ट्रेस्ड असेट्स थी या स्ट्रेस्ड इक्विटी थी, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि करीबन 3% तक की जो टोटल लोन बुक थी उसके अंदर जो है डाउट था और मर्जर के बाद जो है ये सीन जो है निकल कर आया था। तो देखिएगा सीधी सी बात यहां है कि हमें ये जो शेयर है ये हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है और सीधी सी बात ये लॉन्ग टर्म का पर्पस ये है कि ये जो शेयर है ये धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करेगा। देखिएगा इसकी कंपनी का ना जो कैपिटल साइज है बहुत बड़ा है, यानी कि जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो आपको ये बताऊं कि वो आगे आगे इस शेयर को चलाने के लिए नहीं आगे आएगी, वो अपने बिजनेस को अच्छे से चलाएंगे, शेयर का प्राइस तो अपने आप ही आगे हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जो मैनेजमेंट है वो जो भी हमारे को पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर ही मैं आपके साथ जो है बात कर रहा हूं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कब चलेगा ये तो मैं आपको सीधी सी बात बोलूंगा कि आपको वैद्यनाथन जी का एक इंटरव्यू सुन लेना चाहिए, उन्होंने कहा था कि ये जो शेयर है अभी जो है नहीं चलेगा, इसमें कुछ समय जो है वो लगेगा और वो समय जो है वो इसलिए लगेगा कि उन्होंने खुद बोला है कि इसमें अभी 2 या 3 साल तो हमें इसको बेस बनाने में लगेंगे और जब तक हमारे डिपॉजिट बेस नहीं बनेंगे तब तक आप इस शेयर में बहुत बड़ी जो है तेजी नहीं देखेंगे और जे रिकवरी जो है उन्होंने बोला है कि जो 2021 और 22 के बाद ही जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। तो जो लोग पेशेंटली इस शेयर के साथ जो है बैठे हुए हैं वो ध्यान से इस बात को देखिएगा कि ये जो शेयर है ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने वाला है, हालांकि इसके अंदर बहुत बड़ा जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम भी होता है। तो ये पहले सवाल का जो जवाब मैंने आपको दे दिया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कब चलेगा और रेगुलरली इसके जब भी रिजल्ट्स आते हैं मैं आपको अपडेट जो है देता रहता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से। उसका जो अगला सवाल है क्या बिजनेस में कोई नई एनपीए आने वाली है। देखिएगा एनपीए के बारे में मैं आपसे सीधी सी बात यही बोलूंगा कि देखिए जब बिजनेस के अंदर जो है स्लो डाउन होते हैं, इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन होते हैं तो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो है प्रेशर्स आता है। तो बहुत सारी ऐसी मार्केट में अफवाहें हैं कि इनका जो एक्सपोजर है वो वोडाफोन के अंदर और भारती के अंदर हो सकता है और जिसकी वजह से जब अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो इस बैंक की जो एनपी है नॉन परफॉर्मिंग जो असेट्स हैं वो बढ़कर आएंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट खुद भी बताया हुआ है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी इनका एक्सपोजर है, तो लेकिन अभी वो उन्होंने एनपी जो है डिक्लेयर नहीं किया है।
तो अभी उसके अंदर जो रिकवरी की पोजीशंस जो है वो असेस करेंगे। तो ये वास्तव में जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तब हमें जो है पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। बट हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है जिस गति से बढ़ रहे थे शायद वो गति रुक जाएगी। लेकिन अगर टेलीकॉम के अंदर प्रेशर रहेगा तो हो सकता है कि इस बैंक के भी कुछ एनपीए के जो प्रेशर्स हैं वो देखने के लिए मिले, और हो सकता है कि उसका जो है एक या दो क्वार्टर के लिए जो है परफॉर्मेंस जो है वो डेफर हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरी बात जो मैं आपके साथ करूंगा कि क्या इसके बिजनेस मॉडल में चेंज आने वाला है। देखिएगा, बिजनेस मॉडल तो जिस दिन इन्होंने मर्जर अनाउंस किया था उसी दिन बता दिया था कि हाँ ये अपने पूरे के पूरे बिजनेस को जो है रिटेल बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा, रिटेल बिजनेस के अंदर जो कन्वर्ट करने वाले हैं उससे होता क्या है। देखिएगा, जो रिटेल बिजनेस है उसके अंदर कन्वर्ट करने का एक सीधा सा रीजन ये है कि ये पूरा रिटेल का दोनों साइड से, यानी कि असेट साइड से भी और लाइबिलिटी साइड से भी। असेट साइड से ये रिटेल का मतलब बोलते हैं कि जो हम पैसा लोन के रूप में बांटेंगे वो ज्यादातर कंज्यूमर लोन्स या जो स्मॉल लोन्स हैं जो रिटेल लोन्स हैं उसमें बांटेंगे। और अगर लायबिलिटी साइड से देखें तो ये डिपॉजिट पर विश्वास करना चाहते हैं कि जो डिपॉजिट्स हैं कंज्यूमर से ज्यादा है। इस मॉडल को अगर वो यूज करते हैं, क्योंकि उसके लिए वो एग्रेसिवली जो है काम भी कर रहे हैं, अगर आप उनकी पिछले जो एक्टिविटीज हैं जो भी आप देखेंगे बैंक्स की, तो उसमें आप भी पाएंगे कि बैंक जो है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने के लिए जो है तैयार हो रहा है, और डिपॉजिट्स जो है वो 7% तक के भी, यानी कि 7% तक के भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे करने के लिए तैयार है, इफ बैलेंस इज मोर देन 1 लाख रुपीज इन सेविंग बैंक अकाउंट। तो सिंपल सी बात यहाँ है कि जो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख से ज्यादा के ऊपर वो 7% का इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है। रीजन ये है कि वो अपने जो डिपॉजिट्स बेस हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब है उनका जो पूरा का पूरा फोकस है इसको एक रिटेल बैंक बनाने की तरफ है। तो ये जो इनका बिजनेस मॉडल है, ये बिजनेस मॉडल एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल जो है आज के समय में माना जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यानी कि बैंक जिससे मेनली अर्न करता है, यानी कि जो ब्याज के रूप में पैसा मिलता है और जो ब्याज के रूप में पैसा आप देते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको 5 या 6% के रूप में आपको जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है, यानी कि डिपॉजिट्स अगर आपको 6% या इवन 7% और इवन 8% तक भी अगर इनको मिलते हैं तो ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है इस बैंक के लिए, क्योंकि ये जो लेंडिंग के जो रेट्स हैं इनके वो 12% 11% से ऊपर है, तो करीबन करीबन 3 से 4% तक के जो इंटरेस्ट मार्जिन है ये अभी और आगे चल के मैनेजमेंट की ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो इंटरेस्ट मार्जिन है ये ओवर 5% तक भी ये लेके जा सकते हैं, अगर जो इनका विजन है उसको अगर हम सुने तो। तो देखिएगा, बिजनेस मॉडल में जो है कोई चेंज आने वाला नहीं है। बिजनेस मॉडल इन्होंने मर्जर के टाइम ही अनाउंस कर दिया था कि हम इसको एक रिटेल बैंक बनाएंगे, और रिटेल के अंदर मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि जिस तरीके से यहां पर आप काम करेंगे। चौथा सवाल जो मेरे से पूछा गया है, क्या आप इस बैंक पर विश्वास करते हैं। देखिएगा, मेरे पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं मैं इस पे जो है विश्वास करता हूं, और इसके विश्वास होने के जो कारण है वो कुछ आप सुनिएगा। मैं आपको सबसे पहले विश्वास होने का कारण जो पूरी मार्केट जिसके ऊपर विश्वास करती है उसमें मैं भी करता हूं, और वो है हमारे वैद्यनाथन जी। तो सीधी सी बात क्या है कि जो बिजनेस का जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो वैद्यनाथन जी की क्रेडिबिलिटी पर जो है यकीन करता है कि जो वैद्यनाथन जी है वो बहुत ही अच्छे से इस बैंक को चलाएंगे, और जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं मीडिया के अंदर भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, वो देखने लायक हैं, काबिले तारीफ हैं। तो सिंपल सी बात यह कि उन्होंने सबसे पहली बात की, जो वैद्यनाथन जी हैं वो यहाँ पर विश्वास का जो है पहला कारण बनते हैं। दूसरा जो कारण बनता है कि देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि जो 7% के जो डिपॉजिट्स हैं ये वास्तव में कस्टमर्स के साथ जो है रिलेशनशिप बना रहे हैं और कंज्यूमर फर्स्ट की जो है नारा ये लगाते हैं, और जिससे कि ये बहुत सारे कंज्यूमर्स को जो है अपने साथ जो है इकट्ठा भी कर पा रहे हैं और नई नई इनोवेशंस के साथ जो है ये काम कर रहे हैं। जैसे कि इनका ईजी बाय जो कार्ड है ये भी काफ़ी जो है जो इनके कस्टमर्स हैं उनमें बड़ा पॉपुलर है, और कस्टमर्स बेस भी जो है ये करीबन करीबन 1 करोड़ तक करने का जो है प्लान कर रहे हैं। उसके बाद जो है इनकी जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो भी जो है 10,000 करोड़ के आसपास जो है पहुंचने वाली हैं। तो सीधी सी बात ये है कि जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट 1,000 करोड़ के आसपास जो है असेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है पहुंच गई हैं, और ये उसको भी ग्रो करने के लिए जो है प्लान कर रहे हैं। और जो ये 7% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो 7% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये जो गोल्डन के रूप में आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे, ये वास्तव में कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर भी रहा है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको जो है इसमें अकाउंट खुला रहे हैं। और इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म को यूज किया, जैसे मैं बताता भी हूं आपको, जैसे कौन बनेगा करोड़पति का प्लेटफॉर्म है, या जो क्रिकेट के साथ इन्होंने नाता जोड़ा है, तो क्रिकेट के साथ जैसे हर्ष बोगले जी जो हैं उनके साथ, तो ये अपनी बैंक के अंदर एक क्रेडिबिलिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनबीएफसी के अंदर पिछले साल के अंदर जो है फ्रॉड्स देखने के लिए मिले या इरेगुलरिटीज देखने के लिए मिली, तो किसी भी व्यक्ति का लालच के रूप में जो है ऐसा
क्योंकि ऐड भी आती है मीडिया के अंदर लालच के चक्कर में, ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में मत फंस जाना। तो यहां पर इनके लिए जो बड़ा चैलेंज था, तो ये अपनी क्रेडिबिलिटी भी जो है क्रिकेट के साथ जोड़ के, बिजनेस के साथ जोड़ के जो है साबित करना चाहते हैं, या जैसे टीवी मीडिया के साथ जैसे अमिताभ बच्चन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको आप नकार नहीं सकते। तो सीधी सी बात है, अमिताभ बच्चन के शो के माध्यम से, तो ये सभी जो मेजर्स हैं ये मैनेजमेंट जो है इस तरीके के एक्शंस ले रही है। तो इसलिए हमें जो है ऐसा विश्वास जो लगता है कि जो अभी जो है इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर जो है ये टाइम तो लेगा, लेकिन बट ये मल्टी बैगर्स जो है रिटर्न्स के जो है पोटेंशियल जो है हमें आने वाले सालों के अंदर हमें लगते हैं। और IDFC फर्स्ट बैंक के साथ सीधी सी बात यह है कि ये जो नई नई इनोवेशंस के साथ जो है काम कर रहा है, तो जैसे कि मैं आपको यही बताने जा रहा था, जैसे भी इन्होंने होंडा के साथ भी जो है टाई अप किया है, तो MOU साइन किया है इन्होंने, तो इस तरीके की बहुत सारी जो इनोवेशंस हैं वो ये कर रहा है बैंक। और अपने जो सेम मॉडल है, यानी कि जो उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव्स रखा हुआ है, जो अपना मिशन रखा हुआ है कि हम इसको रिटेल बैंक बनाएंगे, तो उसी तरीके से देखिएगा ये टू व्हीलर्स की जो कंपनी है होंडा मोटर्स, उसके साथ भी इन्होंने MOU करे हैं, और भी बाकी कंपनीज के साथ जो है इनके पाइपलाइन के अंदर है भी इसी तरीके के MOU। तो सीधी सी बात यह है कि हमें ये जो कंपनी है ये अभी भी जो है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर और बेहतरीन लग रही है। बेशक से देखिएगा प्राइस मूवमेंट इसके अंदर थोड़ा देर सवेर आएगी, लेकिन जो है ये शेयर जो है रखने लायक है। और सीधी सी बात यह है कि इसके अंदर लोग ना इंपेशेंस हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। तो आपको जो भी सवाल है वो मैंने दिल खोल के ले रहा हूं आपके, और दिल खोल के ही मैं उनके जवाब दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई संकुचित विचारधारा के साथ आपके सवाल के जवाब दे रहा हूं, जो मुझे सही लगता है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगला जो सवाल था वो आपका था, संजीव भसीन जी जो है वो काफी इसके अंदर बुलिश, देखिएगा वो एक वेटरन जो है, वो एक सीनियर जो है इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के अंदर, और जो है उनका ज्यादातर जिंदगी जो है उसकी इन्हीं फील्ड के अंदर गई है, और IIFL से वो जुड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात है कि मार्केट के अंदर जब वो आते हैं स्क्रीन पे तो लोगों के अंदर जोश आ जाता है, और वो लोगों को लगता है कि हाँ जी अब IDFC फर्स्ट चलने वाला है। देखिएगा उनकी बात जो है बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो खुद भी इस बात को बताते हैं कि उनकी जो खुद की जो डॉटर है उनके पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर वो शेयर्स हैं। तो इस तरीके के जो लोग हैं ये मीडिया के अंदर आके बोलते हैं, और जैसे जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत जबरदस्त है, तो वो एक तरीके का विश्वास जो है IDFC फर्स्ट बैंक जैसे शेयर्स के अंदर दर्शाते हैं। और जो हमारी भी अपनी रिसर्च है या जो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस का जो है माहौल जो है मिलता है इस तरीके के एनालिसिस जब बात करते हैं, जिनकी खुद की बहुत अच्छी जो है साख मार्केट के अंदर रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उनको जो है मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन जैसा भी उनका पास्ट कर रहा है या इस तरीके की जो अप्रोच रही, हम उससे एक कंक्लूसिव जो है एक डिसीजंस की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। तो हम बहुत सारे जो पहलुओं को देखने के बाद जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, तो उसमें से एक पहलू ये भी होता है। और आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जो संजीव भसीन जी का सुनने के बाद भी जो है आप इन्फ्लुएंस हुए हो सकता है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमेशा जो है आपको देखनी है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक ही बात बोलता हूँ, हमेशा पैसा आपका है, निवेश करने से पहले डिसीजन आपने लेना है, और आपके पास पूरा का पूरा जो है समय है, स्थान है, और आप तो इतनी पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप कहीं से भी सूचना इकट्ठी करके अपना एक कंक्लूसिव डिसीजन ले सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप, और मैं तो आपको ये कहूंगा अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक की जो ब्रांच अगर आपके नियर में है तो वहां पे विजिट भी आप कर सकते हैं, वहां के जाके स्टाफ से बात कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पता कर सकते हैं। और सीधी सी बात यह है कि जो मैंने आपके जो सवाल दिए उसमें से एक और जो लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का जो ये सवाल है ये कैसे यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ये यूज कर रहे हैं। और मैं इनका कल परसों कोई ऑथोराइजेशन देख रहा था कि ये किस तरीके से अपनी जो ट्रांजेक्शन उनको ऑथोराइज करते हैं अपने बैकएंड के अंदर, तो वो ऑथोराइजेशन के लिए भी इन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर निकाला है, और उस सॉफ्टवेयर के तहत भी जो है ऑथोराइजेशन के अंदर भी जो स्टाफ की जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है बैंक जो है, क्योंकि कैपिटल बहुत बड़ी है और इसको पूरा का पूरा रिटेल बैंक बनाना चाहते हैं जो है वैद्यनाथन जी, तो हमें इन सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो बैंक है, देखिएगा अभी ये जो रिटर्न्स के मामले में बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि ये प्रॉफिट्स कैसे देंगे। अब मैं उस क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी आपको पहले थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा मुझे क्वार्टरली रिजल्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूँ, क्योंकि अभी एक दो क्वार्टर और अभी जो है पेनफुल आ सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि मार्केट के कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर ये 100 करोड़ 200 करोड़ के प्रॉफिट्स अगर यहाँ पे दिखा देगा तो ये इसके ऊपर एक रिलायबिलिटी फैक्टर जो है बढ़ जाएगा और ये 50 रुपीज के ऊपर जो है ट्रेड करना शायद शुरू कर दे। और कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर 500 करोड़ के प्रॉफिट्स यहाँ पर अगर दिखा दिए तो ये जो शेयर्स है ये करीबन 60-70 की जो रेंज में वहां पर चला जाएगा और बाद में जो भी इसकी फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस होगी उसके बाद ये शेयर्स उस तरीके से ट्रेड करता रहेगा। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि उसके अलावा जो मार्केट में सेंटीमेंट्स किस तरीके का रहता है, गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं वो किस तरीके के रहते हैं और पूरा का पूरा जो हमारा इकोनॉमी सिस्टम है वो किस तरीके से पैन आउट होता है, ये भी जो है मैं आपके साथ बोलना चाहूंगा कि ये सारी जो चीजें हैं ये देखने पड़ेंगी आपको। और आपके और भी जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में आएंगे तो उसके बाद जो है मैं आपको एक नई वीडियो के माध्यम से 1 या 2 महीने के अंदर जो है जब तक शायद क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ जाएं तो आपको एक और वीडियो के माध्यम से जो है आपके जो भी सवाल होंगे जो है उनके बारे में जवाब दे दूंगा। आज जो मेरी वीडियोस थी वो जनरली फाइनेंशियल से कम और बाकी जो मार्केट के अंदर चल रहा है जिस तरीके की इन्वेस्टर्स की या ट्रेडर्स की जो सोच है उससे ज़्यादा थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जिस तरीके से भी आपको लगे, अच्छा बुरा जिस तरीके से भी लगे, आप मुझे प्लीज़ प्लीज़ जो है इसके कमेंट्स जो है शेयर करिएगा। आपके कमेंट्स के आधार पर जो है मैं आगे भी इवेल्युएट करके आपको एक अच्छी और बेहतरीन वीडियो देने की जो है कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जो है वीडियो आप देखते रहें इसी तरीके से और आप अपने सुझाव हमें देते रहें।